मोटिवेशनल स्टोरी, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आप लोगों को फिर से मोटिवेट करते हैं। एक दिन एक कौवा सोचने लगा कि भगवान की सबसे ख़राब त्रुटि वो है, ना ही भगवान ने उसे अच्छी शक्ल दी और ना ही अच्छी स्वर दी, मतलब कि आवाज़। फिर वो सोचने लगा कि कोयल बहुत खुश नसीब वाली होगी। वो कोयल के पास जाकर बोला कि बहन, तुम बहुत खुश नसीब वाली हो, भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी स्वर दी है, इतनी अच्छी आवाज़ दी है, तुम बहुत मीठा बोलती हो, सारे लोगों को ये पसंद आता है। तो कोयल बोला कि नहीं, मुझसे ज़्यादा खुश नसीब वाली तो बगुली है, उसका रंग इतना सफ़ेद जो है। कौवा बगुली के पास जाकर बोला कि तुम कितनी खुश नसीब वाली हो, तुम्हारा रंग इतना सफ़ेद है। तो वो मुंह लटका के बोली कि नहीं तोता, मुझसे ज़्यादा नसीब वाला है, क्योंकि भगवान ने तो मुझे बस एक ही सफ़ेद रंग दिया है और उसे इतने सुंदर हरे रंग का और लाल चोंच। कौवा तोता के पास जाकर भी वही बोला तो तोते ने कहा कि नहीं, मोर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब है, क्योंकि उसके पास इतने सारे रंग हैं। आखिर में जब कौवा मोर के पास जाकर यही बोला तो रो रो कर मोर बोला कि नहीं, मुझसे ज़्यादा खुश नसीब तो कौवे का है। कौवा हैरान होकर पूछा कैसे? तो मोर बोली कि क्योंकि मैंने आज तक कौवे को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं देखा, समझे, वो आज़ाद घूमता फिरता रहता है, दिन भर काँव काँव करते रहता है, लोग उसे पकड़ते भी नहीं, उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। मैं भी वैसे ही आज़ादी की ज़िंदगी चाहता हूँ। तो सबसे खुश नसीब कौवा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी खुद को अपने बाहरी रंग रूप बेसिज से कम मत समझो, अपनी अंदर के कला को जानो और समझो और अपने आप से प्यार करो। धन्यवाद।